प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर फतेहाबाद से। आपको बता दें कि फतेहाबाद के रतिया शहर में शातिर चोरों का आतंक देखने को मिला है। आपको बता दें कि बीते दिनों ज्वेलर की दुकान को 3 चोरों ने निशाना बनाया और इस ज्वेलरी की दुकान से लाखों के सोना चांदी ये 3 चोर चुरा कर ले गए। आपको बता दें कि 3 बदमाशों ने बीती शनिवार रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और जिस ज्वेलरी की दुकान पर इस चोरी को अंजाम दिया गया, बता दें कि वो अग्रवाल धर्मशाला के पास मौजूद है और सीसीटीवी फुटेज में चोरी की ये पूरी वारदात कैद हो गई है और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो फतेहाबाद से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि फतेहाबाद के रतिया शहर में शातिर चोरों का आतंक देखने को मिला है। चोरों ने ज्वेलर की दुकान को निशाना बनाया और लाखों के सोना चांदी पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि 3 बदमाशों ने जिस ज्वेलर की दुकान पर हाथ साफ किया था वो अग्रवाल धर्मशाला के पास मौजूद है और शातिर चोरों की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कि मामला की है चोरी दी तू? मामला रात अभी 7:30 बजे दुकान बना के गए हैं। इतो जो सुबह 9:30 बजे दुकान पे आए, दुकान का ताला है नहीं सीगा। जो शटर चाक के देखा अंदर समान बिक रहा पाया जी दुकान के, फिर पुलिस को इनफॉर्म कराया, पुलिस वाले आए, फिर अंदर देखा लाख सवा लाख रुपए का नुकसान है। इस तरह जानती होगी रिपोर्ट ने कोके वगैरह कि सोना से सोना 10 ग्राम कोके वगैरह आने ते बाकी चांदी का समान है। कोई एस्टिमेट तो है नहीं, यानी कि किलो सवा किलो चांदी खरीद हैगी है। कोई कैश भी क्या ना? कैश कुछ नहीं। किन्ने का होगा मतलब माल? माल 1.25 लाख रुपए का होगा जी। पुलिस ने देती सोचना? हाँ, पुलिस ने सूचना देती। की नाम की है तोड़ा? हरवीर सिंह जी।